हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज लैंग्वेज इन रेडमी नोट 11T 5G। रेडमी नोट 11T 5G में लैंग्वेज चेंज कैसे करनी है, भाषा कैसे बदलनी है। दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में हिंदी से इंग्लिश से आप कोई अदर लैंग्वेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अरबी या फिर हिंदी जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है नीचे की ओर। फिर यहाँ से आपको जाना है एडिशनल सेटिंग पर, एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट लैंग्वेज एंड इनपुट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको सबसे ऊपर लैंग्वेजेस मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको लैंग्वेज मिल जाती है, तो यहाँ पर इंग्लिश इंडिया हो रखा है, तो यहाँ से आप यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड भी कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, बट यहाँ से कोई भी लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको हिंदी लैंग्वेज करके दिखाने वाला हूँ। हिंदी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप हिंदी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है फ़ोन पूरा हिंदी में हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। दोबारा से आपको अगर इंग्लिश करनी है तो फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको अपनी इंग्लिश इंडिया पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज दोबारा से इंग्लिश हो चुकी है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो।